स्पष्ट है कि लोकतंत्र की इस शर्मनाक लोकतंत्र के मूल्यों का जो अवमूल्यन किया गया उसके लिए सदन में मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में विधायक जो है अब हिजरा हो गए हैं, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आज भी उन्हें। मैं वही कह रहा हूं कि सदन के कस्टोडियन अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष पर जिम्मेवारी है कि माननीय विधायकों के अधिकारों जो उनके लोकतांत्र जो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं और जो उनका मतलब प्रोटोकॉल के अंदर अधिकार है उन तमाम चीज़ों की रक्षा करना। जब अध्यक्ष खुद लाचार महसूस कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त होती सी दिख रही है। इसलिए खेदजनक है कि संसदीय बिहार के संसदीय इतिहास में यह पहली घटना है जो जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का इतना अवमूल्यन हुआ। हमारे साथ आरजेडी के विधायक है सर, जिस तरह से कल सदन में हुआ उसको लेकर के आप लोग लगातार दबाव बना रहे माफी मांगने का। देखिए सर, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार इस सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है और कल सर्कस का तमाशा पूरे दुनिया के लोगों ने देखा। जिस तरीके से आसन को मुख्यमंत्री ने सदन के नेता ने उंगली दिखाने का काम किया है, हड़काने का काम किया है, जिस तरीके से आसन को हड़काने दबाने का काम किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आसन हम सबका कस्टोडियन होते हैं और वो हम सबको संरक्षण देते हैं। लगातार सरकार हर एक सवाल माननीय के द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब गलत तरीके से दे रही है। उस पर यदि आसन कोई व्यवस्था देता है तो इसमें नीतीश कुमार और सरकार के लोग तिल मिला गए हैं और आसन को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यदि आसन की ही प्रतिष्ठा नहीं बचेगी तो लोकतंत्र में किसी की प्रतिष्ठा क्या मांग करेंगे? सदन में मांग करेंगे तो नीतीश कुमार माफी मांगे। ये सर्कस नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का रक्षा करने वाला ये संस्थान है। यहाँ पे उस तरीके से गुंडई नहीं चलेगा। सर, जिस तरह से लगातार जो बीजेपी के विधायक भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग कमजोर पड़ गए हैं, जब आसन का ही गरिमा नहीं है तो बीजेपी जो विधायक वो कह रहे हैं हम लोग का जो हाल है जो एकदम लाचारी वाला है। देखिए, एक दूसरे के बैसाखी पे दोनों चल रहे हैं और दोनों चोर चोर मसेरे भाई हैं, ठीक है। दोनों सिर्फ ये हम लोग सर्कस में होता है ना कि सब लोग मिले होते हैं, एक ही टीम के लोग होते हैं, तो ये दोनों मिल करके बिहार के लोगों को सर्कस बनाना चाहते हैं, असल मुद्दा से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, जो लूट का सवाल है, किसानों का धान जो नहीं खरीदाया है, इन तमाम सवालों को लेकर के जो सरकार को विपक्ष घेर रही है तो ये लोग सर्कस दिखाना शुरू किए विधानसभा में। तो हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं सतीश जैन, जिनका कहना है कि आसन को अपमानित किया गया है, जिसको लेकर के लगातार राजद के विधायक खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आज सदन में हम लोग मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से माफ़ी मांगे, तब जाकर के सदन चलेगा। लेकिन वहीं बीजेपी का भी साथ अब विपक्ष को मिल रहा है, बीजेपी भी लगातार इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक हैं, उनका कहना है कि जब विधानसभा अध्यक्ष ही लाचार दिख रहे हैं तो हम लोगों की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। तो फिलहाल इस वक्त बजट सत्र में कल के मामले को लेकर के लगातार मुद्दा गर्म है, विपक्ष हो या फिर आरजेडी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। विपक्ष के तौर पर आरजेडी और बीजेपी तो नहीं, लेकिन आरजेडी लगातार दबाव बना रही है। काली पट्टी बांध करके आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं विधानसभा और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफ़ी मांगने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव के चलते माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।